आपको एक बात जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जब हम रिमोट से कोई चीज़ ऑपरेट करते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो आप देखते होंगे कि वहाँ से जो डेटा ट्रांसफ़र होते हैं वो ऐसा क्यों होता है कि हम AR IR रेज के द्वारा ही ट्रांसफ़र करते हैं, और IR रेज हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, लेकिन कैमरे से अगर रेट आउट करेंगे तो रिमोट से निकलने वाला रेज आप कैमरे से बहुत ही अच्छे तरीके से उसे देख सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। उसके डेटा को भी देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, और जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक वो रेज जाते हैं, डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र होकर और सिस्टम तक पहुँच जाता है। एक रिसीवर यानी जैसे यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है उससे रिमोट से, ऐसे वहाँ पे एक रिसीवर सेंसर लगे होते हैं, वहाँ से सेंस करके फिर ये जो है माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम के प्रोसेस के लिए इसे आगे भेज दिया जाता है डेटा को। आज इस वीडियो के द्वारा एक खास बात बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड है या जो इसका नॉलेज रखते हैं, जैसे हमारा करंट हुआ और ये जो पावर हुआ, इससे रिलेटेड जो एनर्जी हुई, इसका जो जानकारी रखते हैं या इसके बारे में जो जानते हैं वो हमारे बातों को थोड़ा सा क्लियर समझ सकते हैं, और जो इस फील्ड में अभी नए हैं वो आने वाले समय में जब इस चीज़ को जानेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे। तो मेरा आज एक एग्जांपल है जो आपको बता रहे हैं, वो हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारी रेड LED होती है जहाँ से रेड कलर का रेज निकलता है, और एक होता है रिमोट का सेंसर, जो रिमोट सेंसर से जो IR रेज निकलते हैं, तो एक तो है रेड कलर और एक जो उससे आउट होने वाला जो IR ब्लास्टर होता है उससे निकलने वाला रेज जो होता है वो होता है वायलेट। ठीक है, तो वायलेट और रेड इस दोनों कलर का हम आज थोड़ा सा एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं कि देखिए, जैसे हमारा एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है, आपको लगेगा कि कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं अभी मालूम होगा, लेकिन आप मेडिकल इक्विपमेंट देखेंगे तो उससे मालूम हो जाएगा, क्योंकि सारा टेस्टिंग जो हमारा होता है उसमें देखिए टोटल इलेक्ट्रिक जो है उसमें करंट की ज़रूरत होती है, यानी चाहे AC के रूप में चाहे DC के रूप में हम उसे जब किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं या किसी चीज़ की टेस्टिंग करते हैं अपने बॉडी की, तो उसमें वो ज़रूरत लगता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर मेजरमेंट के लिए ज़रूरत होती है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, अगर उसमें जो भी मेजर किया जाता है, जो भी देखा जाता है, जो भी टेस्ट किया जाता है, तो देखिए अगर उसमें इलेक्ट्रिकल वोल्ट या इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल वेव अगर नहीं होते उसमें, यानी सब मिला कर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती तो वो रीड आउट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आप जैसे कोई लकड़ी को आप देखेंगे, उस लकड़ी को अगर मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो नहीं टेस्ट हो पाएगा, या DSO देखेंगे तो उसमें वो भी नहीं हो पाएगा। तो हम थोड़ा सा एग्जांपल लेकर बताते हैं कि जैसे देखिए हमारा जो ब्लड होता है रेड होता है, तो रेड LED का हमने एग्जांपल उससे लिया है, और ये जो रिमोट है, रिमोट में जो लगा सेंसर जिससे आउट होने वाला रेज है वायलेट, मैंने उससे जो है अपने जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बॉडी की चारों तरफ, वो चीज़ें आप किसी कैमरे से जो है, इस समय तो बहुत सारे ऐसे कैमरे आ गए हैं कि आपके ओरा को रीड आउट किया जा सकता है, या आप कहीं भी हाथ रखें वहाँ जहाँ हीट जनरेट हो रही है उस जगह को भी रीड किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है, वहाँ पर देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है आपका ओरा, उससे वो चीज़ें रीड आउट हो जाती हैं कैमरे से। तो हमारे कहने का मतलब कि जैसे रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे हाई होता है और वायलेट का जो है सबसे लो। वेवलेंथ मतलब हुआ कि वेव मतलब हुआ तरंग, लेंथ मतलब हुआ लंबाई। लंबाई जैसे हमारी लो फ्रिक्वेंसी होती है तो देखिए उसका वेवलेंथ बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका देखिए जो वायलेट का है वो कम होता है, लेकिन अगर देखेंगे वेवलेंथ की लंबाई को अगर देखेंगे जिसका हाई है यानी रेड का हाई है, तो इसमें वेवलेंथ में एक एनर्जी होती है, एनर्जी जितना वेवलेंथ हाई होगा उतनी एनर्जी कम होगी, जितना जिसका वेवलेंथ कम होगा उतना एनर्जी उसकी, कहने का मतलब जितना वेवलेंथ हाई होगा उतनी एनर्जी लो होगी और जितना वेवलेंथ कम होगा उतनी एनर्जी हाई होगी, समझे। तो जैसे ये हमको आँख से दिख जाता है वेवलेंथ हाई है रेड कलर, और वॉयलेट हमको नहीं दिखता, लेकिन उसमें वॉयलेट में एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी हमारे चारों तरफ एनर्जी ही है, हम एनर्जी की स्पेस में ही है, लेकिन हमको जहाँ तक जो रीड आउट कर पाए हैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करके इस चीज़ को एग्जांपल के रूप में हम बता रहे हैं। तो ये समझने के लिए आप थोड़ा सा देखेंगे तो जान पाएंगे कि जो भी एनर्जी यानी जो आ रही है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी वाइब्रेशन है हमारे आसपास के, वो चीज़ें हमको दिखती नहीं, लेकिन अगर कलर के रूप में देखेंगे तो दिख जाएगा। कलर का बहुत ही बड़ा फंडा है,
जो कि मैं बार बार उस चीज़ को कहता हूँ कि जैसे हमारा 9 कलर है 0 से लेकर 9 का, अगर 0 को कैलकुलेट करेंगे तो 10 आएगा, अगर 0 को छोड़ देंगे तो आपका जो है 9 आएगा। और 9 का सबसे पीक कलर होता है वाइट, वाइट में जो है सबसे पीक एनर्जी होती है, और वाइट में सारे कलर अंदर ही हैं, यानी टोटल कलर को मिलाकर ही हमारा वाइट लेवल बनता है। तो वाइट हमारा सबसे पीक है, जो कि स्काई यानी आकाश की तरफ इंडिकेट करता है। और ब्लू, अरे सॉरी वो क्या नाम है, ये ग्रीन, ग्रीन हमारे जीवन का इंडिकेट करता है, जो कि बीच में है 5 का। और शून्य जो हमारा ब्लैक है वो नीचे ग्राउंड, यानी और भी नीचे जितने भी नीचे आप जाएंगे वहाँ पे शून्य का जो है वो इंडिकेट करता है। तो हमारा जो ये समझने का तरीका था, उस चीज़ को हम कई बार सोचे आप लोगों को बताने के लिए। तो इस पर अगर जो इसमें काफ़ी दिनों से काम कर रहे होंगे तो आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारा रेड कलर अगर वेवलेंथ हाई है, ठीक है, तो इसमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी सबसे कम है। लेकिन अगर वहीं पर देखें इसका जो हमारा सबसे कम वेवलेंथ है किसका, वायलेट का, बैंगनी का, लेकिन इसकी एनर्जी हाई है। तो इसी चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ अपने इंटरनल इनर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें बताई गई वो चीज़ें अलग थी। आने वाले समय में ये जो हमारा 9 कलर है ये कोड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम पहले तो कलर के रूप में जान लेते थे, लेकिन आने वाला जो जनरेशन होगा अब कुछ दिन बाद केवल कोडिंग ही रह जाएगी। तो कोडिंग के द्वारा समझना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि जैसे ब्राउन हमारा 1 हुआ, तो अब क्या हुआ, ब्राउन के कलर का जो कोई एग्जांपल या कोई भी उसका उससे रिलेटेड जानकारी नहीं होगी तो एक कोड के रूप में इंटरनल दब जाएगा वो आने वाले समय में। तो अभी से इस सारे कलर का जो मैटर है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी उसी कलर से बने हैं, उसी रेस से बने हैं। और जो सूर्य का सबसे लास्ट एक कण होता है, समझ लीजिए उसी का हम लोग एक रूप हैं। तो हमारा जो थोड़ा सा बहुत समझने का प्रयास किए थे वो आप लोगों के साथ आज शेयर किया हूँ। ये 2 LED है, ये है रिमोट में यूज होता है, और ये जो है लाइट है, ये LED बल्ब है, ठीक है। इससे इसके रेंज को आप देख सकते हैं, इसके रेंज को आप नहीं देख सकते। ये रिमोट में यूज होता है, ये लाइट के लिए यूज होता है। ये हमने एक एग्जांपल पे लिया है, और एग्जांपल पे मेरा ये समझाने का जो मकसद था, ये जो मुझे समझ में आया, ये बहुत दिनों से मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं उसको एग्जांपल पे आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए ये जो यहाँ पर देखेंगे तो ब्लड जो ब्लड कलर रेड होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में जो 70% जो पानी है, पानी के रूप में देखिए अगर जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम है तो वहाँ पर रेड कलर का जो ब्लड है, ब्लड में उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ सबसे हाई होती है। और ऊपर शरीर के सबसे ऊपर स्किन के ऊपर जो हमारा ओरा होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी जो बनती है, जो हमारे वाइब्रेशन कंपन से जो मैग्नेट फील्ड बनती है, वो चीज़ें अगर देखेंगे तो आपका वॉलेट से वो आउट होगा, उससे क्लियर उसमें पता लगता है कलर का रिस्पांस। तो इसमें क्या है कि जैसे इसका सबसे कम वेवलेंथ इसी का है और सबसे हाई वेवलेंथ इसका है, कलर के बारे में देखें तो। अब वेवलेंथ अगर इसका हाई है तो इसमें कोई भी वेव होगा, तरंग होगा, तो उसमें एनर्जी होगी। तो एनर्जी जितना वेवलेंथ हाई होगा उतना एनर्जी कम होगी, और जितना वेवलेंथ इसका लो होगा उतनी एनर्जी हाई होगी, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए, या हमारे बॉडी से जो रिलीज होने वाले या जो भी रिसीव या ट्रांसमिट जो भी वाइब्रेशन से होते हैं, वो टोटल कंपन है एक। और इस चीज़ को हमको बहुत गहराई में सारे बॉडी के सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे टूल्स जो भी बन रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बन रहे हैं, देखिए बिना ड्राइवर के जो कार चल रहे हैं, GPS यूज हो रहा है, तो ये सारे जो सेंसेस काम कर रहे हैं। आँख का अगर देखेंगे तो आँखों से जो पिक्सल रीड आउट होते हैं उनके बारे में बहुत सारे ऐसे जो सीक्रेट हैं, जिसे जो है अभी तक उस चीज़ के बारे में ना बताया गया, ना पढ़ाया गया, ना उसके बारे में एग्जांपल दिया गया। तो मेरा जो भी लोग अगर नॉलेज वाले हैं, जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं। बाकी जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो जब इसके देखेंगे, समझेंगे इसके रेज क्या होता है, इसके कलर क्या होते हैं, कलर कैसे इसमें दिखाई नहीं देता, रिमोट से आउट होने वाला इसका कैसे दिखाई देता है, ऐसा रीज़न क्यों है, क्योंकि हमारे आँखों की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक निश्चित ही चीज़ों को देख सकती है। इसलिए हमें अदर चीज़ों को देखने के लिए हमको एक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और टूल्स को हम एम्पलीफाई करके बना लेते हैं। जैसे किसी बारीक से बारीक सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए हमने लेंस को
बनाया और उसको जो है जूम करके देखने के लिए और भी कई तरीके का कैमरा यूज किए, तो ये सब सारी चीज़ों को एम्पलीफाई करके हम उस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं जो हमारी आँखें नहीं देख पाती। तो इन सब सारी चीज़ों को देखने का जो भी मेरा सिस्टम बनता है वो हमारे इंटरनल फीलिंग से बनता है, और इस चीज़ को अगर हम जानेंगे तो बहुत कुछ सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। आगे हम और भी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हुए, और ये हमारा विदाउट ड्राइवर यानी ड्राइवरलेस कार, और GPS, ये सारे सिस्टम, यानी कहने का मतलब जो चीज़ें देखिए सैटेलाइट से क्लियर हो रही हैं, उस सैटेलाइट के सिस्टम को भी समझना हमको बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें अगर आप नहीं जानेंगे तो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा आगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।